हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हम कौन से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि पेज नंबर 6 पर हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। उसमें हमने क्या किया था, बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया था सैंड पेपर से। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो एक वेरी रिएक्टिव मेटल है। जब इसको ऐसे ही रखा जाता है तो ये एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उससे ये रिएक्शन कर लेती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर इसकी सरफेस पर बन जाती है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, देखिए मैग्नीशियम प्लस O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये एक्टिविटी 1.1 में भी हमने देखा था। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, ये मैग्नीशियम मेटल है उस पर डिपॉजिट हो जाती है, और ये जो ये लेयर फिर आगे इसको बर्न होने से प्रिवेंट करती है। मींस जो मैग्नीशियम मेटल है वो बर्न करते हैं उसको हम, तो ये बर्न होने से इसको प्रिवेंट करती है, बर्न नहीं होने देती है। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर। तो ये जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज इन टू एयर, तो ये अच्छे से बर्न हो सके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये हमें केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं, इसके लिए हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो ये हम इस में करेंगे, सिर्फ लिखना देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि ये कैसे बैलेंस की है। ये है हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के लिए H2, यहाँ पे गैस लिख दिया G। क्लोरीन, क्लोरीन भी गैस है, तो यहाँ पर दिए फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स, ये लिख दिए, यहाँ पे गैस लिख दिया। और ये HCl, अब यहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि देखिए मान लो हम यहाँ लिख लेते हैं H2 प्लस Cl2, और ये HCl लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 हैं इसके एटम्स, इसके भी 2 एटम्स हैं, इसका 1 एटम, इसका 1, और इसको 2 बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे डिटेल में। अब है सेकेंड का आंसर, ये बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया है, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये लिख दिया है, और ये देखिए बेरियम क्लोराइड सॉलिड है तो S लिख दिया है, यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट भी सॉलिड है तो S लिख दिया है, बेरियम सल्फेट ये लिख दिया है, और एल्युमिनियम क्लोराइड ये बैलेंस किया है, तो यहाँ 3 आ गया है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे कि कैसे बैलेंस किया है। अब है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये है सोडियम और ये वाटर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन है। सोडियम का आ गया Na, ये देखिए रिएक्शन लिख दिए, वाटर का H2O यहाँ लिख दिया ये, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये लिख दिया है, और ये हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, क्योंकि ये इसको बैलेंस किया है। इसको भी हम अलग से बैलेंस करना सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड लेंगे ये रहा, उसके बाद सोडियम सल्फेट लेंगे, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट इन वाटर, इन वाटर तो ये AQ लिख रखा है, वाटर में घोल रखा है इसको, तो ये एक्वस बन गया है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये भी एक्वस है। रिएक्ट्स टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट बन जाता जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं है, तो यहाँ पर S लिख दिया सॉलिड। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है सॉल्यूशन ऑफ, तो इसलिए यहाँ पर AQ लिखा है। अब इसका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद है सेकेंड का आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड
एक्वस है क्योंकि वाटर में है. रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर. तो यहाँ पर ये ए क्यों लिख दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर. देखिए सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, यहाँ पर ए क्यों लिखा है, और ये वाटर वाटर लिक्विड है तो एल लिख दिया है. तो यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म होते हैं. अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम इनको हम बैलेंस करना भी सीखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.